टाइप का होता है, हम लोग को भी ऐसे कि साल भर साथ रहता है, डेढ़ साल तो एक रिश्ता टाइप का बन जाता है, पर कहीं ना कहीं अधूरापन सा लगता है कि जिस फेस को रोज देख रहे हैं उसको मान लीजिए कि कल नहीं देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इसमें दुखी होने वाला बात नहीं, क्योंकि जहाँ पर अगर यहाँ चीज़ों को 12 को समाप्त नहीं होगा तो फिर आप लोग लाइफ में आगे कैसे बढ़िएगा। तो कहीं कहीं जहाँ अंत होता है वहीं पर शुरुआत होता है, तो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि यहाँ से चीज़ों को छोड़िए और फिर वहाँ पर आगे बढ़िए। ठीक है, हम लोग भी खुश होंगे कि आप लोग यहाँ से जहाँ भी जाइए मेहनत करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए, जो भी है अपने आप को मेहनत से खुद को 100% दीजिए और मेहनत सही में रोने लगे ना जाए। और रहा एग्जाम का भी, एग्जाम के लिए यहाँ से आप लोग जाइएगा तो उस दिन है तो ऑलरेडी आप लोगों को तो अब जितना पढ़े हैं जैसे पढ़े हैं खुद को सोचना है कि नहीं हम 100% एकदम टारगेट करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप लगभग जो भी सर हैं चाहे मम्मी हैं तो सारे लोग लगभग जितना हद तक हो जाना चाहिए था आप लोगों को रिवाइजिंग करवा दिए हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और आप लोग को आज कुछ क्वेश्चन गेसिंग क्वेश्चन मिलेगा उसको एक बार कर लेना है और एग्जाम में एकदम फुल कॉन्फिडेंस से जाना है। ठीक है, और कोशिश करना है कि क्योंकि आप लोग कर चुके हैं कुछ क्वेश्चन, अगर और भी आया आपका पूरा तो उसको करके आना है और जितना हद तक हम लोग करवा रहे हैं बिना डरे करना है। और दूसरी बात एक और है कि बहुत लोगों का है चोरी पर भी डिपेंडेंट है बहुत लोग, तो नहीं अगर टाइम मिला तो चोरी करना चाहिए, लेकिन खुद की पूरी तरह से पढ़ाई करिए। और ऐसा तो कह नहीं सकते जितना हद तक है, बहुत लोग कर भी चुके हैं और बहुत लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया भी रहा है, मतलब आप लोग यहाँ पर बहुत लोग पूरे में 50-50 है। और आप लोग को पहले क्या करना, देखिए आप लोगों को क्या है कि जो जैसे बायो है या फिर मैथ है तो शुरुआत में दे दिया है, उसके लिए अच्छा खासा जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखना है, क्योंकि शुरुआत दिन बिना कोई हड़बड़ के बिना कोई जैसे कि शुरू शुरू दिन आदमी रहता है तो उसको नर्वस होता है और इसका एग्जाम पे असर पड़ता है, तो आप लोग को नर्वसनेस नहीं होना है और एग्जाम पे असर नहीं पड़ने देना है। दूसरा नंबर, आप लोग थोड़ा काट कुट वाला जो प्रोसेस अपनाते हैं उसको काट कुट मत कीजिए, क्योंकि कॉपी गंदा दिखेगा तो एग्जामिनर का भी वहाँ ज्यादा ध्यान जाता है, अगर गलत हो भी गया है तो एक लाइन में कट कुट है। उस लोगों का थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे तो पार्ट क्वेश्चन कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है क्योंकि आपके पास टाइम ही फिक्स है, तो अगर बोलता है इसमें से पांच क्वेश्चन का आंसर दे तो पांच ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं करना है, कुछ लोगों का अलग होता है जैसे टेस्ट देते तो पता चलता है कि एक हद तक कहीं दीर्घ कर दिए फिर कहीं शॉर्ट कर दिए फिर दीर्घ कर दिए, तो वैसा नहीं करना है, एक सीरीज वाइज में करना है कि अगर आगे शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट ही कीजिए। ठीक है, कहीं कहीं बाय चांस होता है कि एक आध क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए एक इनका वाला एक में रखो, मान लीजिए कि मेरे को शॉर्ट आधा पेज में होगा तो आधा पेज छोड़ करके उसको पीटीओ लिख करके आगे बढ़ जाना। पीटीओ लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर आपको देखेगा यहाँ पीटीओ लिखा है मतलब इसके आगे भी है, और अगर टाइम मिले तो उसको लिख लीजिए, लेकिन बाय चांस अगर छूट गया तो उसके लिए है। आप इसका मतलब आप लोग ये मत अपनाइएगा कि पीटीओ लिख दिए हैं तो फिर नहीं आ रहा फिर पीटीओ लिखे फिर आगे बढ़े, तो ऐसा नहीं करना है, वो एक आध क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों को पता है आप लोग बेस्ट दीजिएगा, इतना तैयारी है कि आप लोग बेस्ट दीजिएगा, लेकिन अगर बाई चांस कुछ अलग भी मिले तो आपको नर्वस नहीं होना है, उसकी फिर थोड़ा जगह छोड़िए और उसको अंत में अटेम्प्ट करके दीजिए। ठीक है, तो खुद पर पहला नंबर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि जितना भी किए हैं आप लोग बहुत हद तक बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो बस हम इतना ही बोलेंगे।